अधिकरण का इसका मामला था, तो इसका यहां से घर के सामने इसका रास्ता बंद कर दिया, तो लोक शिकायत से इसका अंचल को आदेश हो गया है कि वहां से जो अधिक्रमण घर के सामने है इसका रास्ता खोल दिया जाए, अधिक्रमण को हटाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि राजद के प्रदेश कार्यालय में हर मंगलवार को जनता दरबार लगता है, जन सुनवाई का कार्यक्रम चलता है और इस दौरान तमाम जो फरियादी होते हैं वो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं। और ऐसे में आज राजद के जनता दरबार में गोपालगंज से एक व्यक्ति पहुँचे थे, अपनी समस्याओं को लेकर, जमीन से जुड़ी उनका समस्या था। और जैसे ही मंत्री सुरेंद्र यादव ने उनकी समस्याओं को सुना, तुरंत मंत्री सुरेंद्र यादव ने नायक वाली स्टाइल में सीधे गोपालगंज के जो डीएम है उनके पास फ़ोन लगा दिया। और फ़ोन लगाकर क्या कुछ बातचीत कर रहे हैं और क्या कुछ बातें हो रही है, सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। मिश्रा है खलवा गांव का और थाना उसका भोरे पड़ता है। हाँ, तो अधिकरण का इसका मामला था, तो इसका यहाँ से घर के सामने इसका रास्ता बंद कर दिया, तो लोक शिकायत से इसका अंचल को आदेश हो गया है कि वहां से जो अधिक्रमण घर के सामने है इसका रास्ता खोल दिया जाए, अधिक्रमण को हटाया जाए। अब इस पर जो है ऐसे अंचलाधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहा, न बुला रहा है, न थाना प्रभारी बुला रहा है। सबको शनिवार को आप लोग मीटिंग करवाते हैं ना कि तो इस बार इसको आदेश दे दीजिए, हम भेज भी देते हैं। ठीक है, हम उसका यहाँ से व्हाट्सअप करते हैं आपको। ठीक 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 है, बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। ठीक, नमस्ते। हाँ, शुक्रवार को मिल लेगा आपसे, शुक्रवार को मिल लेगा आपसे 12:30 बजे। ठीक 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 है, बहुत धन्यवाद। ठीक, आज राष्ट्रीय जनता दल की ओर से और राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे अभिभावक लालू प्रसाद जी और हमारे नेता तेजस्वी बाबू और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष माननीय जगता बाबू की ओर से जन सुनवाई के कार्यक्रम आज के दिन निर्धारित किया गया है, जनता का जो भी शिकायत है वो सुनने के लिए, और वह आज हमें मिला है। तो हर महीना में एक बार जन सुनवाई हर मंत्री को करना पड़ता है, चाहे वो किसी विभाग का मंत्री हो, तो अपनी पार्टी का जो मंत्री होता है उसको जन शिकायत पूरे बिहार भर का सुनना पड़ता है और उसका कार्य को पूर्ण रूप से करना पड़ता है। अभी जो शिकायत आया था एक गोपालगंज का, तो गोपालगंज का शिकायत था, तो उसमें हमने नवल किशोर बाबू वहाँ जिला पदाधिकारी हैं, तो ये खलवा गांव है, खलवा गांव के जनता यहाँ पर आया हुआ है और अपनी बात को रखा कि हमको आदेश लोक शिकायत से आदेश मिल चुका है, वहाँ पर से अधिक्रमण हटाने के लिए घर के सामने इसका रास्ता रोक दिया है, तो हटाने के लिए आदेश हो गया है। अब उस पर अंचलाधिकारी और DESP दोनों को शनिवार को बुला के इस कार्य को पूर्ण करा देना है, तो वह दोनों आदमी इस पर नहीं मान रहा है और नहीं जन सुनवाई कर रहा है, तो उस पर जब विचार नहीं बना रहा है तो ये अपना जन सुनवाई के तहत पार्टी कार्यालय में आके अपना बात को रखा और एप्लीकेशन दिया, तो आज पार्टी निर्धारित कर दिया कि आज आपका सुनवाई होगा, तो हम उसी सुनवाई के तहत जो है से गोपालगंज जो जिला पदाधिकारी हैं उनको हमने अनुरोध किया कि आप खलवा गांव में जो रोहित कुमार मिश्रा है उसका सुनवाई करके उसका देख के केस को आप निष्पादन कर दें, तो इनको शुक्रवार को दिन उन्होंने बुलाया है और बोला है कि मैं खुद देख लूंगा और इसको निष्पादन में कर दूंगा। तो अभी आपने देखा जो बिहार सरकार में राजद कोटे से मंत्री हैं सुरेंद्र यादव, वो आज राजद के जनता दरबार में मौजूद थे, जहां पर तमाम फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचा था, तमाम फरियादियों की समस्याओं को सुना, और साथ ही साथ गोपालगंज से एक व्यक्ति ने जमीन से जुड़ी समस्या को लेकर पहुँचा था। और जैसे ही मंत्री जी ने तेजस्वी के मंत्री ने जैसे ही उनकी समस्या को सुना, तुरंत नायक वाली स्टाइल में आ गए और तुरंत सीधे गोपालगंज के डीएम को फ़ोन लगा दिए और फ़ोन लगाकर डीएम को तमाम चीज़ों की जानकारी दी। और जानकारी देते हुए क्या कुछ वो कह रहे थे, अपने तमाम चीज़ें इन वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।